ये ट्रैक्टर सेल्फ मोटर का सोलनार स्विच है जो खींच रहा अच्छे से पिस्टन को अंदर की तरफ, पर बाहर जो पॉइंट टच होना है ये बोल्टों में, करंट जो एक बोल्ट से दूसरी बोल्ट में पार्सल होना करंट, वो नहीं हो रहा। ओके, तो देखेंगे हम इसका क्या प्रॉब्लम है और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और इसी को काम में लेंगे लेंगे हम। ओके, तो ये देखो ये कुछ इस तरह काम करता। सबसे पहले इसको चेक करेंगे। ये देखो ये एक सोल्डरिंग वाला वायर 12 नंबर का और ये 8 नंबर का सोल्डरिंग वाला वायर। इसमें क्या है, एक मेन एक अर्थिंग लगा के चेक करना। ओके, ऐसा लगाने से देखो ये खींचता खींच रहा, ये कुछ इस तरह खींच लेता। खींचने के बाद जो है, अभी ये देखो 2 13 नंबर के जो बोल्ट दिख रहे हमको, एक में मेन लगाओ, ये देखो ये अंदर खींच लिया 8 नंबर में। तो यहाँ पे अर्थिंग आना, अर्थिंग आने से मतलब स्पार्क आना। ये क्या होता, अंदर एक पॉइंट रहता टी मॉडल का, आपस में क्या पॉइंट जाके 2 बोल्टों को टच होता। ये देखो ये खींच रहा अंदर, जब खींचता ना तो ये पॉइंट जो है ना जाके ये 2 बोल्टों में टच होना, जिससे क्या है करंट एक बोल्ट से दूसरी बोल्ट में सप्लाई होता। ओके, सेल्फ मोटर को घुमाता, सेल्फ मोटर घूमने से क्या आपकी गाड़ी स्टार्ट होती। तो ये देखो यहाँ नहीं हो रहा, ये 8 नंबर का बोल्ट लगाने से करंट खींच रहा, मतलब खींचना तो ओके। इसके 2 काम रहते, एक क्या है अंदर की तरफ खींचना और दूसरा करंट को एक बोल्ट में से दूसरे बोल्ट में सप्लाई करना। तो खींच रहा पर सप्लाई नहीं कर रहा। तो हम इसको सबसे पहले देखो खोलेंगे, खोलने का क्या तरीका है, पहले सॉल्डरिंग करके इसको निकालना पड़ता। इसमें देखो डबल लॉक है, मतलब एक सॉल्डरिंग से रुका हुआ है, दूसरा स्क्रू से रुका हुआ है। तो पहले देखो सॉल्डरिंग खोल लिया हमें एक, फिर उसके बाद ये स्टार का स्क्रू ड्राइवर ले लेके ये स्क्रू को भी खोल लेंगे। ओके ना, मतलब 2 है इसमें लॉक, एक क्या स्क्रू से फिट हुआ है ये, और दूसरा क्या बोले तो सॉल्डरिंग भी लगा हुआ, तो दोनों भी खोलना पड़ता हमको। ये देखो 2 स्क्रू खोल लिए, ये देखो निकाल लिया हमें, ये देखो निकल गए। अब इसमें क्या है, ये एक सोल्डरिंग निकाल दिए हम और ये दूसरा सोल्डरिंग है, तो इसको भी निकाल लेंगे। देखो निकाल के ऐसा बाहर की तरफ ढकल दिए तो निकल जाता है। ये देखो ये दूसरा वाला, ये 13 नंबर के बोल्ट को लगा हुआ है ये देखो। और एक बात, जब निकाल रहे तो याद रख लेना कौन सा किधर से निकाल रहे हो। ये देख सकते हैं आप लोग कितना डस्ट मट्टी पानी जा जा के ख़राब हो गया ये देखो पॉइंट तो पूरा टोटली ख़राब हो जाते। और ये रबर है, इसका पानी नहीं जाना बोल के लगा के रखते इसको। तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर ही रख देंगे, क्यों बोले तो फिर बाद में अगर भूल गए या फिर नहीं लगाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाता। ओके ना, तो और ये देखो ये क्या, इसके अंदर भी एक रबर दिखता आपको। देखो ये आयल सील के टाइप काम करता है, ये देख सकते हैं आप कितना डस्ट चले गया। मतलब ये क्या है, ये देखो एक्सल ब्लेड से साफ़ कर रहा मैं, ये 2 बोल्ट हैं अंदर। इसको एक काम करेंगे, पहले खोल लेंगे हम लोग 13 नंबर के नट से, 13 नंबर का जो नट है उसको खोल दो। ये देखो पहले एक स्प्रिंग वाचर आता, उसके बाद फ्लैट वाचर आता। ओके, इसको एक बाजू रखो, फिर ये देखो बोल्ट अंदर से पूरा गंदा हो गया ये। इसको क्या है, साफ़ करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, आपको नया डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये दूसरा है देखो, ये भी खोल लेंगे हम 13 नंबर का बोल्ट। तो मैं खोल लेता हूँ, देखते रहो वीडियो। तो देख सकते हैं मैं नट खोल लिया ये, इसमें भी देखो 13 नंबर का एक नट निकला, फिर एक स्प्रिंग वाचर निकला, पर ये देखो फ्लैट वाचर नहीं है। क्यों नहीं है बोलते, ऑलरेडी इसको एक ये देख सकते हैं ये पट्टी दिया, मतलब सोल्डरिंग वाला ये, और बोल्ट हो गया हमारा 13 नंबर का। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले साफ़ करेंगे इसको अच्छे से, पेपर मारेंगे और फाइल मार के साफ़ करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्सल ब्लेड से भी अच्छे से साफ़ करेंगे। क्यों बोलते हैं, नया है, मतलब शोरूम का है ये और चलता, अभी और काम ले सकते हैं, इसको नया डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैं कटिंग ब्लेड से के पकड़ के साफ़ करता हूँ, हाथ से ताकत नहीं लग रहा। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लो। अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप नीचे ज़मीन पर भी, जहाँ पे फ्लोरिंग किया हुआ रहता ना सीमेंट का, उस पर भी लगड़ सकते हैं, अच्छे तरह साफ़ हो जाता है। ओके, अब इसको क्या है देखो, बीच में थोड़ा सा गड़ा हो गया बोल्ट के अंदर में, तो इसको थोड़ा एक्सल ब्लेड से साफ़ करेंगे, क्या फाइल नहीं जाता वहाँ तक। ओके, तो ये अपने हिसाब से साफ़ कर लेने का, इसके बाद क्या प्रोसेस है मैं आपको बता दूँ। देखो ओके, ये देखे हो गया, एक बार और फाइल मार लेंगे, फाइल मार लिए कंप्लीट, पूरा छकाछक हो गया। अब ये देखो ये दूसरे वाले का नंबर है। अब इसको भी क्या करेंगे, देखो पहले से कितना डस्ट आपस में मतलब आजू बाजू लगा हुआ है, तो इसको भी साफ़ करेंगे फाइल से। ये हो गया दोनों भी, देखो एक्सल ब्लेड से इसको भी अंदर काला हो गया ये थोड़ा, मतलब अंदर की तरफ घस गया, तो ये भी ब्लेड से साफ़ कर लेंगे हम। देख सकते आप कर लिया मैं, तो अब हम क्या करेंगे, 2 बोल्टों को क्लीन हो गए, अब इसको हम क्या इसके अंदर फिट करेंगे। ये देखो ये सोलनार स्विच के ऊपर का कैप है, इसको क्या है साफ़ कर लेंगे थोड़ा, या फिर पेट्रोल से आप धो लिए तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखो ये बोल्ट को किस तरह बिठाना। ओके,
ये उल्टा नहीं बैठता, ये देखो अभी जैसा जा रहा सीधा, ये सही तरीका है इसका। अगर आप देखो कुछ इस तरह देखो उल्टा बिठा है तो वो नहीं बैठने वाला। ओके, तो ये देखो ऐसा बिठा देना, ऐसा बिठा दिए तो समझ जाओ आप परफेक्ट बिठा दिए। ओके, और एक बात फिट करते उस टाइम पे गौर करना, ये देखो ये जो बोल्ट है ना ये प्लास्टिक से थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ आता, मतलब उठा हुआ रहता। ओके, ये ध्यान रख लो। और ये दूसरा भी क्या है सेम बिठा देना। ओके, दो बिठाने के बाद इसमें देखो एक को वाचर है एक को नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें पहले प्लाट वाचर डाल दो, फिर उसके बाद एक स्प्रिंग वाचर डाल दो जो खोलते को निकला, फिर उसके बाद 13 नंबर के नट से क्या इसको अच्छे से टाइट कर दो। ओके, तो ये देखो अब इधर प्लाट वाचर ऑलरेडी है तो इसके लिए हम स्प्रिंग वाचर डाल देंगे। ओके, फिर उसके बाद 13 नंबर का नट लगा दो, लगा के क्या है दोनों को अच्छे से टाइट कर दो, बराबर करने का, ऐसा नहीं एक फुल एक ज़्यादा नहीं। ओके, ये देखो मैं कर दिया टाइट। अब इसके बाद देखो हमारा मेन काम बचा हुआ है, कैप तो हमारा परफेक्टली वर्क हो रहा कर लेता अभी, मतलब साफ़ हो गया, रेडी टू यूज़ कर दिए हम इसको। अब बारी है सोलनार स्विच को, इसके ऊपर देखो कितना डस्ट जमा हुआ, ये जो डस्ट जा जाके अगर पानी चले गया समझो या फिर ऑयल ग्रीस गिरा ना उसके ऊपर, तो डीजल गिरा ऑयल गिरा तो ऐसा हार्ड हो जाती, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेने का। ओके, देखो एक्सल ब्लेड से मैं साफ़ कर ले रहा, अगर आप पेट्रोल से धो लिए तो और अच्छी बात है, नहीं भी धोए तो ओके चल जाता, क्यों बोल तो इधर अंदर क्या ज़्यादा बार बार कुछ भी डस्ट मट्टी वगैरह नहीं जाता, तो ये देख सकते हैं आप कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया अंदर से, तो इसको मैं कम्प्लीटली साफ़ कर लिया। अब ये देखो पॉइंट एक काम करो आप, जब भी अगर खोल रहे तो बदल ही दो। ओके ना, क्यों बोलते ये कितना भी साफ़ करो काम होने वाला नहीं, अगर आप एक पॉइंट पुराना डाल दिए तो फिर ख़राब होता हो। तो ये देखो ये मेरे पास एक पुराना पॉइंट है, मतलब मैं इसको रिपेयर किया था, रिपेयर करने का कुछ भी नहीं, बस उसको पॉइंट को खोल के था पलटा के डाल देना बस खत्म। ये देखो ये कुछ इस तरह काम करता, दो बोल्टों को आपस में जाके टच होता, तो एक इससे क्या होता है एक बोल्ट में का करंट दूसरे बोल्ट में सप्लाई हो जाता। ओके, देख सकते हैं आप, ये देखो कुछ इस तरह से अंदर बराबर जगह रहता, तो इसको क्या करो ये देखो ऐसा बिठा लो बस, इसमें कोई मशीन की ज़रूरत हो कुछ भी नहीं है। ओके ना, ये बिठा लिए, बिठाने के बाद थोड़ा ये कैप के ऊपर सॉल्डरिंग लगा हुआ है उसको साफ़ कर लेंगे, ताकि अगर ये होल अच्छे से दिख रहा बोले तो क्या इसका जो तांबे का वायर है ना वायर हम बाहर सीधा आ जाते, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करते हम। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे बिठाएंगे अंदर, थोड़ा ये पॉइंट को सेट कर लो, क्यों बोलते इससे पहले जो पुराना पॉइंट था वो ऑलरेडी आपको वहाँ जगह दिखता, मतलब ऐसा कोई धब्बा लगा हुआ रहता। ओके, और एक बात गौर करो, ये जो वायर आपको दिख रहा है देखो अर्थिंग का, इसमें देखो इधर वाले में एक वायर है इधर वाले में दो वायर है, ये वायर किसका है बोलते, जब अगर सोलर स्विच काम नहीं कर रहा ना तो इसके बाजू वाले वायर को भी उस तरह अर्थिंग में दे देना, तो बराबर काम कर लेता। ओके, अब ये देखो फिट करेंगे हम इसको, फिट करते तो टाइम पे क्या है जो स्क्रू खोले थे ना आप, इसके दो स्क्रू के होल मिला लेना, मतलब ये देखो थोड़ा बाजू कर लिया, मतलब समझ जाते जब आप काम करने के लिए बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ओके ना, तो ये जो सोल्डरिंग के होल से देखो इसमें से वायर बाहर आ जा रहा, देख सकते हैं आप, बस ये दो होल वायरा मिला लेना, उसके बाद क्या ऑटोमेटिक आपको ये जो स्क्रू डाला देखो मैं अभी ये स्क्रू का होल मिल जाता, तो इसको क्या करो देखो टाइट कर लो, ये एक टाइट हो रहा उसके बाद ये दूसरा भी हो जा रहा टाइट, बस कोई बड़ी बात नहीं, आपको बस खोलते उस टाइम पे ध्यान रख लेना कि कैसा खोल रहे, फिट करते उस टाइम पे आप ऑटोमेटिक कर ले सकते हो। ओके ना, तो ये दोनों को अच्छे से मैं टाइट कर दिया, उसके बाद ये जो ऑयल सील जो रबर दिया हुआ था उसको भी लगा दिए ताकि पानी डस्ट वगैरह कुछ नहीं जाना। अब ये देखो ये पिस्टन है, अब इसको क्या करेंगे हम एक बार चेक कर लेंगे, ये देखो देख सकते आप बैटरी थोड़ा डाउन हो गया, फिर ओके कोई बात नहीं चेक कर सकते, ये देखो 8 नंबर के बोल्ट को एक लगा दिया, खींच रहा ऐसा, ये कुछ इस तरह खींच लेता। ओके ना, ऐसा खींचने के बाद क्या ये पिस्टन जाके अंदर के पॉइंट को दबाता, पॉइंट को दबाने से क्या होता एक बोल्ट में से करंट दूसरी बोल्ट में पार्सल हो जाता ऐसा, अभी देखो आता करंट, ये देख सकते आप, और थोड़ा दबाना पड़ता, ये देखिए एक मिनट ताकत नहीं लग रहा, एक देखिए अब हो जाता, अभी नहीं आ रहा, अभी अच्छे से और एक बार ट्राई कर लेता मैं, पूरा जितना अंदर तक पिस्टन जा सकता उतना अंदर तक दबा देना, दबाने के बाद तब जाके करंट आता आपको, ये देखो आ रहा, अभी देख सकते हैं अब आ रहा ना, जब नहीं आ रहा था हमको जब पहले चेक करे तो नहीं आ रहा था, बस इतना ही क्या हुआ था बोलते, ख़राब कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा डस्ट वगैरह जाके करंट को पार्सल होने से रोक ले रहा, मतलब करंट की आड़ आ जा रहा था, आड़ बन रहा था। ओके ना, तो बस हम क्या करें खोले साफ़ कर दिए फिर से फिट कर दिए। ओके, अब इसको क्या करेंगे सोल्डरिंग जो निकाले थे हम वैसा ही बिल्कुल सोल्डरिंग भी कर देंगे, सोल्डरिंग करना भी कोई बड़ी बात नहीं है,
बहुत छोटा काम है, दोनों को भी अच्छे से सॉल्डरिंग कर दो। क्यों बोलते हो, हम स्क्रू लगा दिए ना पहले तो ऑटोमेटिक कैप आपको परफेक्ट बैठ जाता, तो खाली कुछ भी नहीं, आपको बस ज़रा गर्म करके उसका लेड लगा दिए तो ऑटोमेटिक सॉल्डरिंग हो जाता। ओके, ये देख सकते हैं। उसके बाद क्या करो, आप थोड़ा उसको पानी लगाओ या ऐसा थूक भी लगा देना। क्यों बोलते हो, अगर ज़्यादा देर रखे ना तो जल्दी ठंडा नहीं होता, तो जब का जब ठंडा कर देना उसको। ओके ना, तो इसको भी देखो दोनों अच्छे से सॉल्डरिंग हो गए, थोड़ा सा कच्चा पानी भी लगा दो चल जाता। ये पुराना पॉइंट है जो फेंक दिया मैं, अब ये पिस्टन है देखो, ये कुछ इस तरह से अंदर काम कर लेता। ओके ना, ये अभी अब हम क्या करेंगे, बन गया इसको क्या, अब हम धो के अच्छे से फिर इसको हम अपने सेल्फ मोटर में यूज़ करेंगे। ओके ना, बस इतना ही था आज के वीडियो में। और भाई लोग, जाने से पहले एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इलेक्ट्रिशियन फील्ड के इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।